जी बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पायरेशन एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर वट इज द रेस्पायरेशन बेसिकली इट इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ठीक है अब ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन बेटा हमारे जो हमारे पास जो है थ्री स्टेप्स में होती है ग्लाइकॉलिस क्रेपसाइकल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लाइकॉलिस ठीक है ये वर्ड हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना ठीक है दैट मीन्स के ग्लूकोज ग्लाइको ठीक है लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना ग्लूकोज आप लोगों को पता है बेटा वो सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड होता है जब वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो थ्री सी मतलब जो है वो हाफ कंपाउंड मतलब थ्री कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको आप लोग पायरेविक एसिड भी कहते हैं ग्लाइकॉलिस बेटा ये हमारे पास जो है ये साइटोप्लाज के अंदर रिएक्शन होता है और इसमें रिएक्शन नहीं ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती इसलिए ये एरोबिकली और एनारोबिकली भी एक्ट करता है ठीक है क्योंकि एरोबिक में भी मतलब जो है ऑक्सीजन कितनी मतलब आपको एनआर का ये कंडीशन पता है ना कि उसमें ग्लूकोस की प्रॉपर जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ठीक है लेता है फिर उसके बाद साइकल आ, में होता है like मतलब फ्री कार्बन वाला कंपाउंड पायोराविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फर्दर जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है वो हमारे पास क्रेपसाइकल वो स्टेप को कहते हैं ठीक है जब क्रेपसाइकिल फर्दर अपनी गा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे अब अगर हम लोग बुक की तरफ देखें बुक में क्या है द प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन इन द कम्पलेक्स सीरीज ऑफ द रिएक्शन फॉर स्टडी ऑफ द ऑल द रिएक्शन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ये मैंने आपको पहले भी बताया है ठीक है अब मैकेनिज्म देखते हैं मैकेनिज्म को हमारी कन्वीनियंस के लिए इसने थ्री स्टेप्स में कन्वर्ट कर दी है ग्लाइकॉलिस साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लाइकॉलोसिज बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसमें साइटोप्लाज्म तो में अक्कर करती है और इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती इसलिए हम लोग इसको ये एनारोबिकली और जो एरोबिकली दोनों के तौर पर एक्ट करती है ग्लाइकॉलिस में मैंने आपको बताया है ये डेफिनेशन आ जाएगी ग्लाइकॉलिस की व्हाट इज द डिफाइंड ग्लाइकॉलिस क्या अभी आप लोग फिर इसका आंसर को गे ग्लाइकॉलिस ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में साइकिल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अलॉन्ग विद मतलब फर्दर जो ग्लूको उसमें जो जितनी भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं कौन कौन सी ए टी पी एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू ये आप लोगों को पता है को एंजाइम्स बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल पाइरोविक एसिड वो फर्दर हमारे पास मैंने आपको बताया है कि 3c वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास 2c वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप लोग कहेंगे एसिटाइल को कोएंजाइम दैट मींस कि इसमें दो कार्बन होते हैं क्लियर है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये फाइनल ट्रांसफर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो एक चेन से गुजरते हैं इस स्टेप में एफ एन डी एच और एफ ए डी एच जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वगैरह रिलीज करते हैं वो आ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेकन अप बाय द सीरीज़ ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ठीक है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव थ्रू द सीरीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे लूज द एनर्जी विच इज़ यूज टू सेंथिसाइज द ए टी पी जो एनर्जी लूज करते जाएंगे वो ए टी पी गन करता जाएगा और वो ए टी पी बनते जाएंगे इस तरह से ये हमारे पास ये पूरा स्टेप हो जाता है अगर यहाँ पे देखें ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोलाइसिस ठीक है सॉरी फिर उसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना यहाँ पे एन ए डी पी और एन ए डी ये दोनों एन ए डी पी जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन को गेन करने के लिए आता है ए डी पी फॉस्फोरस को ठीक है वो जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है ये थ्री सी वाला कंपाउंड जो बन जाता है ठीक है फिर उसके बाद ए टी पी बन जाता है ये ए टी पी ए डी पी एनर्जी गेन करता है ए टी पी में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन गेन करता है एन ए डी एच में चल जाता है ये हमारे पास Lycolysis का प्रोसेस हो गया अब जो टू जो मैंने बताया था कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और उसके बाद एफ एडीन डी ये द कोजाइम यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लैमिन एडी नाइन ठीक है डायनिक्लोटाइट इज ऑल्सो लाइक एन ए डी इट गेट्स द टू हाइड्रोजन एंड रिड्यूस टू द एफ एडीच बेटा ये इंपॉर्टेंट है एज अ ऑब्जेक्टिव के लिए भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि एफ एडी की एब्रीवेशन बताएं एन ए डी की एब्रीवेशन बताएं ठीक है ये सारे मिलकर आप इनको कलेक्टिवली कलेक्टिवलीइनजाइम ए भी कह सकते हैं अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं वट इज द कोइनजा एडीपी एफ एडी एन ए डी ठीक है फिर जब ये uh, इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड ए डीपी ए डी पी में कन्वर्ट हो जाता है इसने भी हाइड्रोजन गेन करनी है और इसने भी हाइड्रोजन गेन करके ये इसमें चले जाते हैं दैन एनएडीएच फर्दर और एफ एडीएच टू ये फर्दर क्या करते हैं बेटा मैंने आपको बताया कि वो एक सीरीज से गुजरते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं और उसके बाद इनकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इट इज ऑल अबाउट द मकैनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन।